पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी विदेश संपर्क विभाग द्वारा विनोद पुरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश का सह संयोजक बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। शनिवार को गोविंद नगर स्थित कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने फूलों की माला डालकर स्वागत सम्मान किया, तो वहीं विनोद पुरी ने कार्यकर्ताओं का भी फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि पार्टी के हित में कार्य करेंगे। इस दौरान सुनील सक्सेना, दिनेश गोलू, राजेश सूर्या, रूप किशोर वर्मा, विजय सैनी सहित विदेश संपर्क विभाग के अधिकारी और कर्मचारी और सदस्य भी मौजूद रहे। ये है कि सबसे पहला काम जो विदेश संपर्क विभाग का हमें दिया गया था, जिला संयोजक था महानगर का, तो अब जैसे कमल संदेश यात्रा हमने 15 दिन करी, उसमें जन जन तक हमने अपने जो भी सुविधाएं थी प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो गरीब लोगों को देने की और शहर के गरीब तबके को देखने की थी, उसका निर्वहन हमने किया अच्छे से। और सबसे बड़ी चीज है कि जो लोग हमारी जो केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जो योजनाएं थी उससे जो लोग छूट गए हैं, जो लोग रह गए हैं पीछे, उन लोगों को भी पॉइंटेड आउट करने की बात थी। उन्हें हमने देखा है, नोट किया है, और वो हम अपने नेतृत्व तक पहुंचाएंगे कि भाई इन लोगों को भी ये सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो आवासीय योजनाओं का जो संकल्प लिया था कि हर घर में एक छत होगी, हर व्यक्ति के सर पे एक छत होगी, तो उसको पूरा करने के लिए करीब करीब पूरे हिंदुस्तान से 1 करोड़ मकानों का एक प्रायोजन एक चालू किया गया है। और उसमें 10 लाख जो दरखास्तें थी उसमें से 6 लाख मकान दे दिए गए हैं, बाकी 3 लाख अंडर कंस्ट्रक्शन है, उन्हें भी शीघ्र बनाया जा रहा है, तैयार होने वाले हैं, जनवरी तक पूरे हो जाएंगे, उनको भी दे दिया जाएगा। और खास तौर पर विदेश संपर्क विभाग की बात यह है कि अब मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सह संयोजक बनाया गया है, ये एक अलग बात है। बात अब खास जो है वो क्षेत्रीय बात यह है कि हमारा ये भी उद्देश्य है कि हम इस बात पे पूरा ध्यान दें कहाँ पे किस चीज की जरूरत है।